चरथावल के गांव रोनी हरजीपुर में कब्जा मुक्ति के आदेशों के बावजूद भी गांव के लोगों ने गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। आपको बता दें कि मामला चरथावल थाना क्षेत्र के रोनी हाजीपुर गांव का है, जहां प्रधान की मिलीभगत से गांव के लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया, जिसमें वर्तमान में जेसीबी से खुदाई चल रही है। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव रोनी हरजीपुर। पूरा मामला क्या हुआ है जी? हमारे गांव के बीच में एक तालाब है। कौन सा गांव है? रोनी हरजीपुर। अच्छा, उसमें खुदाई चल रही है। अच्छा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आदेश के बावजूद उसमें भूमाफियों ने, अच्छा, मतलब अवैध कब्जा कर रखा है, और उसमें आदेश थे कि जोड़ जो है पूरा होना चाहिए। अच्छा, और पूरा होने के वजह ठेकेदार आया जो बड़ा, उसने अपने इच्छा से उल्टे सीधे निशान लगा के चला गया प्रधान की मिली भगत से। और तो अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारी पर मैंने सर एप्लीकेशन भी दे ली, वो भी कर ली, लेकिन अधिकारी की तरफ से भी कोई, मैंने श्री मोदे जिलाधिकारी के पास भी, सबके पास मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा अधिकारी? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर अभी तक। और एक आया था इंक्वायरी पर हमारे एडीओ साहब पंचायत, ब्लॉक पंचायत, उन्होंने आए, वे आके उल्टे ही मुझे रात धमका के चले गए। कहने लगे कि क्या बोल रहे थे आपको? मुझे बोल रहे थे, कहने लगे तुम खामा कहाँ रिक्शे ले रहे हो, इस मामले में कुछ नहीं होना है, इनके टीन गिर रही है, इनके मकान जो बन रहा है इसमें नहीं हो सकता कुछ भी। तुम मकान कहाँ पे बना हुआ है? ये प्रॉपर जोड़ में बना हुआ है जी उनका, वो अभी बनाया उन्होंने, वो भी प्रधान की उसकी मिली। क्या नाम है उस आदमी का? उनका जी ये प्रमोद पुत्र जीत सिंह, जीत सिंह पुत्र सिरिया, उनकी उससे बना दिए प्रधान की मिली वगैरह से, उनसे मिले हुए थे, अभी भी उन्होंने खुदाई चलते चलते ही वो बनाया था। अच्छा, तो उसमें मैंने उसको सबको कहा, लेकिन मेरी कोई वो नहीं हुई। वीडियो साहब, एडीओ साहब आए थे पंचायत, ब्लॉक पंचायत से, उन्होंने उल्टे ही मुझे कहा, कहने लगा कि इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, खामा खा हाथ पैर तुड़ाओगे, साल दो साल 100 साल तक मुकदमा चलेगा, 200 साल भी लग जाएंगे, और तुम विराम रहोगे, कुछ नहीं कर सकते तुम वगैरह वगैरह, मुझे डरा धमका के चले गए। कहने लगे अपने घर बैठ जाओ। अधिकारी और प्रधान जी क्या बोलते हैं? प्रधान जी भी यही बोलते हैं, कहने लगे भाई तुम अपना कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ रिक्शा ना लो, अपने घर बैठो आराम से, हो जाएगा जिस तरह होगा। अच्छा, जो मकान जोड़ में ही है, जगह है सरकार की है, तुम इतना रिक्शा क्यों ले रहे हो? ये जगह जो है प्रॉपर जोड़ में ही है जी। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा जी, अगर बचना चाहिए तो सबका बचना चाहिए। अच्छा, कहीं से काट दिया, किसी का डाल दिया, किसी का राख दिया, या तो सबका बचे, नहीं तो किसी का नहीं बचना चाहिए। हमारे तालाब की जगह है, गांव समाज कितने जगह है, वो अपनी उसमें तालाब में ही रल जानी चाहिए। जो इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं वो माफियों ने, ये कब्जे अवैध छूटने चाहिए, अपनी जो जगह तालाब की है वो तालाब में ही होनी चाहिए। ये मेरी वो है जी।